नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल धुलाधार अपडेट्स में। तो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके हैं कि HP बोर्ड धर्मशाला की तरफ से जो है एक बिग अपडेट जो है ये आज आई है। तो ये अपडेट जो है ये SOS 10th एंड 12th क्लास रिजल्ट 2020 के रिगार्डिंग जो ये अपडेट है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपका जो ये रिजल्ट है ये कैसे निकलेगा और जो आपके पेपर जो बच गए हैं तो उनके बारे में भी क्या जो है अपडेट जो है आज आई है HP बोर्ड धर्मशाला की तरफ से। तो ये अप्रैल 2020 की जो बड़ी खबर है, तो वीडियो पर एंड तक बने रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप तक जो है हमारी हर नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले पहुंच सके, क्योंकि ये भी एक हिमाचली का चैनल है। तो जरूर सब्सक्राइब करें हिमाचल की हर नोटिफिकेशन पाने के लिए और वीडियो भी जरूर लाइक करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो ये आज अपडेट आई है कि शिक्षक घर पर चेक करेंगे 10वीं 12वीं के पेपर। तो पूरी जानकारी डिटेल में बताते हैं हम आपको। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अब SOS 10वीं और 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं को मूल्यांकन के लिए शिक्षकों के घर पर ही भेजेगा। तो अब जो है आपकी पेपर चेकिंग होने के लिए जो है शिक्षकों के घर पर ही पेपर जाएंगे। बोर्ड ने पेपर चेक करने वाले शिक्षकों की सूची मांग ली है। इसके अलावा जमा दो और SOS के तहत बची शेष विषयों की परीक्षाएँ जो हैं वो लॉकडाउन खत्म होने के बाद होंगी। तो जो आपके पेपर रह गए हैं बोर्ड परीक्षाओं के SOS 10th एंड 12th के, तो जो आपके पेपर रह गए हैं उनकी जो परीक्षाएं होंगी वो लॉकडाउन खत्म होने के बाद जो है ली जाएंगी। तो जैसा कि आपको पता है कि 1ली से 9वीं और 11वीं के बच्चों को जो है प्रमोट कर दिया गया है। तो अगर आपको वो वीडियो भी देखनी है तो नीचे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप जो है देख सकते हैं और उसको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो आगे हम बताते हैं आपको। स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि मंगलवार को बोर्ड ने इस संबंध में कुछ अहम फैसले लिए जिन्हें अब प्रदेश सरकार की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। जिन शेष विषयों की बोर्ड परीक्षाएं बची हैं उनमें छात्रों की संख्या बहुत कम है। इसमें से हर परीक्षा केंद्र पर छात्रों की संख्या भी 7 से 8 के करीब है। तो ये इन्होंने जो है आज अपडेट बताई है। तो और आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो है हाईलाइट करके बता रखा है यहाँ पे जमा दो के जो शेष पेपर लॉकडाउन के बाद होंगे। तो ये थी आज की अपडेट जो कि मैंने आपको बताई। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो आप लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर रखें ताकि आपको ऐसी अपडेट मिलती रहे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी जो है इस SOS 10th और 12th क्लास में जो आपके दोस्त हैं तो उनको भी पता लग सके इस अपडेट के बारे में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है ये। तो आप जो है तैयारी करते रहें, जो आपके पेपर रह गए हैं तो उसके लॉकडाउन खत्म होने के बाद जो है उसकी जो है परीक्षाएँ ली जाएंगी। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।